गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे। 8.1 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। 8.2 में क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके हमको क्या फाइंड करना है, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, प्रोडक्ट, है ना। जैसे 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे, मतलब 3 से हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इनके प्रोडक्ट लाते जाएंगे, है ना। नेचुरल नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो प्रोडक्ट आते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स। तो हमको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, मतलब 1 से लेके 5 तक ही हमको इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीपल्स 5 मल्टीपल्स हमको लाना है। तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 में 2 का किया तो 6, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 में 4 का किया तो 12, 3 में 5 का किया तो 15। इसी टाइप से हमने इसमें 5 में किया, 5 2 जा 10, 2 जा 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25। ऐसे 7 1 जा 7, 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ऐसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो इस टाइप से आप ये सभी नंबर्स के मल्टीप्लाई अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको डालना है एक्सरसाइज और इस टाइप से आपको इसको लिखकर करना है। और ये बाकी जो है एच और जे, या आप अपनी होमवर्क में करेंगे, इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसमें से इसको लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग यस और नो। आपको इसमें यस और नो में आंसर देना है। जैसे इस 27 अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या 27 3 का मल्टीपल है। मतलब अगर हम 3 को 27 से डिवाइड करें या 3 की टेबल में क्या 27 आता है, आता है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे यस। ऐसे 5 की टेबल में 51 आता नहीं है, है ना, और पूरा ये इससे डिवाइड भी नहीं होता है, तो इसका आएगा नो। इस 1 अ मल्टीपल ऑफ 10, नो, क्योंकि 10 को अगर हम किसी भी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। अगर इस 40 अ मल्टीपल ऑफ 5, यस, 5 की टेबल में 40 आता है तो ये यस होगा। 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, नो, क्योंकि 2 की टेबल में 11 नहीं आता। तो ये आपको, जिनके पास बुक है वो बुक में फिल करेंगे, अगर बुक नहीं है तो आपको कॉपी में इनको लिखना रहेगा। इन सर्कल द मल्टीपल ऑफ 6 इन द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर 6 के सारे मल्टीपल, मतलब 6 की टेबल में जो जो नंबर इनमें से आते हैं उन पर सर्कल बनाना। जैसे 6 आता है, 12 आता है, 30 आता है, 36 आता है, 48 आता है, ठीक है, इन पर सर्कल लगेगी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इन 3 × 7 इज इक्वल टू 21। तो इसमें 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 21, किसका मल्टीपल है, 3 और 7 का, क्योंकि 3 7 जा होता है 21। 9 × 7 इज इक्वल टू 63। इसमें 63 किसका मल्टीपल है, 9 एंड 7 का, ठीक है, क्योंकि 9 7 जा होता है 63। इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 27 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होता है, 3, है ना। 3 की टेबल में सबसे पहले 27 आता है। 5 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 35। 35 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, 5। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है, मतलब हर नंबर को हमको 1 से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। अब एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले आपको इसमें कुछ समझना होगा, जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये हमको पहले इसमें समझना होगा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, इसके अलावा वो नंबर किसी और की टेबल में नहीं आते, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, ठीक है। ये केवल अपनी ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा ये किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये होते प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 किसकी टेबल में आता है, 1 को तो लेना ही है, 2 की भी टेबल में आता है 4 की, तो होगा ना 2 से ज़्यादा। 6 1, 2, 3, 6 की टेबल में आता है, 8, 1, 2, 4, 8 की टेबल में आता है, 24 ये इतने टेबल्स में आता है, तो इसलिए इस जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट, ना 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन द नंबर विच आर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई टू आर नोन एज इवन नंबर। जो नंबर पूरी तरह से टू से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर कहलाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। ओड नंबर, द नंबर विच आर नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई टू आर नोन एज ओड नंबर। जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमको लर्न करना है इसके लिए एक्सरसाइज 8.3 के लिए। अब इसको करके देखते हैं। इन सर्कल द प्राइम नंबर इन द फॉलोइंग ग्रुप। प्राइम नंबर पे करना है जो केवल 1 या खुद की टेबल, तो ऐसा होगा 2, 3, 7, 11, 13, 17, 29। ऐसे इसमें सभी प्राइम नंबर्स पे आपको सर्कल मिल जाएंगे, ये केवल अपनी खुद की टेबल में आएंगे। फिल ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 11 एंड 40। 11 से लेकर 40 तक में सारे कंपोजिट नंबर बताना है। कंपोजिट नंबर क्या, जिनके मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों कंपोजिट, जैसे 12, 14, 15, 16 ऐसे, या 39 तक हमने 10 से 11 से लेके 39, 40 के बीच के, मतलब 12 और 39 तक हमने इसमें किए, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। आप इनको ध्यान से देख के समझेंगे। ठीक है, जैसे 26 दूसरे की टेबल में भी आता है, 27, 28 ये सब, तो ये सब कंपोजिट। आप इवन नंबर पर सर्कल करना, इवन नंबर क्या, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइडेड, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20 ऐसे, इसमें 24, 30, 32, 40 इस टाइप से सारे लिखे हुए। सर्कल द ओड नंबर इन द फॉलोइंग ग्रुप, इनमें ओड नंबर पर सर्कल करना। ओड नंबर क्या, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइडेबल नहीं है, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगी, जैसे 3, 5, 7, 11, 17, 21, 25 ऐसे, इसमें 33, 37, 39, 43 ये सब ओड नंबर्स हैं। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3 कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट हमारी वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 को समझेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।